राजस्थान में सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में पुलिस भूपेंद्र सारण और सुरेश डागा को ही मास्टरमाइंड मान रही थी, लेकिन अब लाखों छात्रों के भविष्य खिलवाड़ करने वाला कोई और नहीं बल्कि सरकारी स्कूल का वाइस प्रिंसिपल सर सिंह उल्फ अनिल मीणा था। और उसने पेपर लीक करके भूपेंद्र सारण को 1 करोड़ रुपये में बेचा था और इसके बाद ये व्यापार आगे से आगे बिकता चला गया। दैनिक भास्कर रिपोर्ट के अनुसार इस पेपर लीक कांड की सबसे अहम कड़ी शेर सिंह मीणा को जब पुलिस 3 माह बाद भी पकड़ नहीं पाई तो अब 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया। पेपर बेचकर मिलने वाली करोड़ों की काली कमाई का हिसाब किताब रखने के लिए शेर सिंह मीणा ने पर्सनल अकाउंट भी खुलवा रखा था। मंदिर और धार्मिक कार्यों में 1 लाख रुपए दान कर उसने गाँव में अपनी बामसा की इमेज बनवा रखी थी ताकि किसी को काली करतूत की बनक तक नहीं लगे। राजस्थान में पेपर लीक कहाँ से होता है इसकी सबसे अहम कड़ी तक पहुंचने के लिए शेर सिंह मीणा की गिरफ्तारी बेहद जरूरी है। दरअसल बता दें कि हर बार पुलिस पेपर बेचने वाले और खरीदने वाले माफिया को तो पकड़ लेती है, लेकिन यह कभी पता नहीं चल पाया कि पेपर लीक आखिर कहाँ से हुआ है। अगर शेर सिंह मीणा पकड़ा जाता है तो इस तरह पहुँचने में यह काफ़ी मदद मिलेगी।